न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त हो गया है देश की बात का और देश में इस वक्त सिर्फ राम मंदिर की बात हो रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही है। वहीं अयोध्या से चल रही राम बयार के कारण लगता है दिल्ली का माहौल भी भक्तिमय हो गया है और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता मंदिरों की साफ सफाई में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि भगवान राम को मनाने का सही तरीका आम आदमी पार्टी को मिल चुका है और शायद यही वजह है कि भगवान के परम भक्त और उनके दूत भगवान हनुमान जी को मनाने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। तभी तो आम आदमी पार्टी ने हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर इन कार्यक्रमों में आपके कई बड़े नेता शामिल हुए। कहीं दिल्ली के कई नेता, दिल्ली कैबिनेट के कई मंत्री लगातार सुंदर पांड का पाठ पढ़ते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज सुंदर पाठ करते दिखे तो दिल्ली के रोहिणी में खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ हिस्सा लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, इस वक्त भक्ति की लहर में राजनीति पूरी तरह से डूबी हुई है। मानो भगवान का सहारा लेकर हर कोई अपनी नाव को पार कराने में लगा हुआ है। किसी को राम का सहारा है, किसी को उनके भक्त हनुमान का सहारा है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले ही दिल्ली के सीएम को भगवान राम और सुंदरकांड पाठ याद आया। उन्होंने एमसीडी चुनाव से ठीक पहले भी सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया था और अब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं तो आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। अब बांसुरी ने पूछा कि क्या सीएम केजरीवाल इस कार्यक्रम में अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को शामिल कर रहे हैं, जो खुले मन से सनातन धर्म का विरोध करते नजर आए थे। वहीं बीजेपी के साथ साथ एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कटाक्ष कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने तय किया है कि हर मंगलवार को वो सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। आप भाजपा से कैसे अलग है? भाजपा आरएसएस और आप में कोई अंतर नहीं है, आप नरेंद्र मोदी के राह पर चल रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने केजरीवाल को छोटा रिचार्ज भी कहा तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। कोई भी नेता किसी न किसी धर्म का होता है, वो अपने धर्म में आस्था रखता है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि देश में चुनाव होने वाले हैं इसलिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो करें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड पाठ करवाना हिंदू वोटों को साधने की कोशिश है? क्या केजरीवाल हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के राम भक्ति का जवाब हनुमान भक्ति से देना चाहती है? सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को चुन चुका है और उन्हीं के सहारे लोकसभा चुनाव की नैया पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नैया पार कौन से भगवान किसकी लगवाएंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक बहुत ही सम्मानित पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। आखिर आप में बीजेपी में क्या फर्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के झंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को, कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंद और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फर्क नहीं रहा है, आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक मंच से राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हुए कहा था कि वे स्वयं बहुत व्यथित हैं और उनके परिवारजन बहुत दुखी हैं कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हो रहा है। उन्होंने तो कहा था कि मंदिर की जगह वहां पर स्कूल बनना चाहिए। आज जब केजरीवाल जी के विरोध के बावजूद एक बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हो रहा है तो आम आदमी पार्टी जो अपने रंग बदलने के लिए मशहूर है आज वो भगवा रंग चढ़ा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि सुंदरकांड के पाठ में आज
क्या उन्होंने अपने पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम जी को न्योता दिया है? वो राजेंद्र गौतम जी जिन्होंने दिसंबर 2023 में विधानसभा के सत्र में बोला था कि हिंदू ग्रंथों को और रामायण का बहिष्कार होना चाहिए, वो राजेंद्र गौतम जी जिन्होंने सार्वजनिक मंच से स्वयं भी शपथ ली थी और दूसरों को भी शपथ दिलवाई थी। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई अपने आप को भगवान का भक्त बता रहा है। क्या देखिए, बीजेपी को तो हमेशा से कहा जाता है कि हिंदू वोट जो है वो बीजेपी के साथ रहता है और बीजेपी हिंदुओं को साधने की कोशिश करती है, लेकिन क्या आप दूसरे दल भी ये जान चुके हैं कि बिना हिंदुओं के सहारे उनकी नैया पार नहीं लगने वाली? यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर कोई अपने अपने भगवान के साथ आगे निकल पड़ा है। तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल धार्मिक अनुष्ठान, और यहां सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तो वहीं आज जो कि धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं 22 तारीख को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज जो आम आदमी पार्टी भगवा रंग में नजर आई है, सुंदरकांड का पाठ करवाती हुई, हनुमान चालीसा पढ़ती हुई, राम जी के परम भक्त हनुमान जी को मनाती हुई। अब राम को जीतना है तो हनुमान जी का सहारा तो लेना पड़ेगा, शायद आम आदमी पार्टी यही करना चाहती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब इस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आई। आपने सुना भी अभी बांसुरी स्वराज को, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आम आदमी पार्टी जिसके नेता ये कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों को और हिंदू धर्म का बहिष्कार होना चाहिए, रामायण का बहिष्कार होना चाहिए, वही आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी को भी दिक्कत हो रही है आम आदमी पार्टी से। ओवैसी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है, ये छोटा रिचार्ज है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने एक राह पकड़ी हुई है, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने भी एक राह पकड़ ली है। तो पक्ष हो विपक्ष, हर किसी को सहारा चाहिए और अपने अपने सहारे के साथ हाथ पकड़कर सभी पार्टियां चलती हुई नजर आ रही है। किसी को धर्म का सहारा है, किसी को आस्था का सहारा है, किसी को भगवान का सहारा है, तो किसी को लोगों का सहारा है। अब कौन जीतता है वक्त बताएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। भारत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रजनीश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत रजनीश साहब से ही कर लेते हैं। रजनीश जी, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन उनके परम भक्त को मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार ये सुंदरकांड के पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन पहली बार नहीं कर रही है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को देख के ये आयोजन हुए हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से ही सुंदरकांड का पाठ आयोजित करती रही है और लगातार करती है। ऐसा भी नहीं है, जैसा भी पहले आपने कहा था कि चुनाव के दौरान में ही बीजेपी आरोप लगाती है, चुनाव के शुरू में जब चुनाव आने वाले होते तो करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार करते रहते हैं और हम राम के भी भक्त हैं। राम का बीजेपी वालों ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि भाई उन्हीं के राम है। राम हम सबके हैं, हनुमान जी हम सबके हैं, इसलिए हम राम को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, और ये लगातार हम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ये आप लोगों ने कहा है हर महीने के पहले मंगलवार को आप लोग ये अनुष्ठान करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड करेंगे। अब इस पर AIMIM के प्रमुख ओबीसी साहब कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी की राह पर ही चल रहे हैं, बीजेपी की तरह बनना चाहते हैं, बीजेपी भी एक राह पर चल रही है, आपने भी दूसरी राह पकड़ ली है, वैसे छोटा रिचार्ज का जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना या किसी अपने धर्म के धर्म गुरु को
या अपने पूज्य भगवान की आराधना करना कोई बीजेपी के पद चिन्हों पर चलना नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे जो परम पूज्य है, जो हमारे भगवान हुए, ईश्वर हुए हैं, उनकी आराधना हम कर रहे हैं, तो किसी के पद चिन्हों पर हम नहीं चल रहे। हम अपनी अपने परंपराओं पर चल रहे हैं, अपने राष्ट्र की परंपराओं पर चल रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी सबसे पहले राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते हम शुरू से ही अपने जो महापुरुष हुए हैं, अपने जो संत हुए हैं, अपने जो पूज्य ईश्वर हुए हैं, उनकी आराधना हम करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बीजेपी चाहे कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगा ले, और बीजेपी ये सोचती है कि धर्म का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है, राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, ऐसा वो सोचते हैं, ये उनकी भूल है। ये जो हमारे ईश्वरीय पूजनीय जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, ये हम सबके हैं, पूरे देश के हर 140 करोड़ लोगों के हैं। वो हिंदुओं के भी हैं, वो मुसलमानों के भी हैं, वो सिखों के भी हैं, वो ईसाइयों के भी हैं, सबके हैं। क्या बात है, लेकिन बीजेपी एक खप्पा लगाना चाहती है, वो भक्ति में नजर आ रही है। उसी आम आदमी पार्टी के, उसी आम आदमी पार्टी के विधायक नेता ये कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों को उनका बहिष्कार होना चाहिए, रामायण का बहिष्कार होना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम, देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म का बहिष्कार होना चाहिए या हिंदू धर्म के ईश्वरीय जो ईश्वर है उनका बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो बौद्ध धर्म की दीक्षा का वो कार्यक्रम था, बौद्ध धर्म की दीक्षा से संबंधित कार्यक्रम होता है, वो बहुत सालों से हो रहा है, उसमें बौद्ध धर्म की दीक्षा जब दिलवाते हैं तो एक शपथ पढ़ी जाती है। वो शपथ बौद्ध धर्म के लोग हर साल पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपको ये नियम मानने हैं, यदि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपको ये फला फला नियम आपको मानने हैं। वो दीक्षा उन्होंने पढ़ी, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू धर्म के विरोधी है। सुनिए, वो हिंदू धर्म का भी मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि माफी मांगने की कोशिश यह आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बयानबाजियां हुई, सीधे तौर पर नहीं लेकिन कटाक्ष करते हुए कहा गया। तो चलिए, राम पर तो हमने बयानबाजी कर ली, हनुमान जी को ही मना लेते हैं। जी हाँ, देखिए हनुमान जी राम जी के भक्त हैं और हम सब हनुमान जी के भी भक्त हैं, राम जी के भी भक्त हैं। हम सब का मतलब है पूरे देशवासी सभी, इसलिए हम सुंदरकांड का पाठ आयोजित कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी हम बात है। राम की भी पूजा करेंगे। अभी देखिए, अभी बीजेपी तो 10 सेकंड और चाहिए, बीजेपी तो अभी कर रही है, कह रही है कि हम देश भर के लोगों को श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। हम तो अब से 4 साल पहले वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रेन के द्वारा लोगों को दर्शन कराने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार की तरफ से लेके जा चुके हैं और अब फिर लेके जाएंगे। ठीक है, वापस। तो हम कोई बीजेपी के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाह रहे, वो हमारे पद चिन्हों पर चलेंगे। ठीक है कौशिक साहब, वापस लौटूंगे आपके पास। जी भारत सिंह साहब, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सिंह जी, राहुल गांधी आज कहते हैं कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, हालांकि कांग्रेस ने तो पहले ही मना कर दिया था। आज राहुल गांधी ने विशेष तौर पर बयान दिया और कहा कि क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट है, क्योंकि ये आरएसएस का इवेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम धर्म की आड़ में वोट बटोरना नहीं जानते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगा सुनकर? जी काजल जी, दो फोटो मैं दिखा दूं आपको और इससे आपको समझ में आएगा, अगर ये देख सकती हैं तो जरा देखिए। बिल्कुल, थोड़ा कैमरे के पास लेके आइएगा तो समझ में आएगा। हाँ, देख पा रही हूँ, ये जेपी नड्डा जी हैं और सुहेल देव पार्टी के अरुण राजभर जी। ये कहते हैं कि भाजपा
पीएम मोदी सिर्फ इंसानों के नेता नहीं है बल्कि देवताओं के भी नेता है। ये इसमें लिखा हुआ है ये बैनर, मतलब अब इससे बड़ा मजाक भगवान के साथ में तो और नहीं हो सकता है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दूसरा आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए, ये मोदी जी हैं और राम जी की उंगली पकड़ के छोटे से राम को दिखाया गया है, राम जी को दिखाया गया है और मोदी जी उससे बड़े हो गए हैं। अब मोदी जी भगवान के, अब जैसे लिखा गया है, जैसे बैनर लगाया गया है और जैसे ये कर्नाटक के इनके जो हेड है मीडिया पर्सन, उन्होंने ये जो है फोटो डाला है और इसमें राम जी कहाँ दिख रहे हैं, ये देखिए राम जी का कैसा, हाँ, जो है फोटो काफी वायरल हुआ था, अस्तित्व दिखाया। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा वालों ने अब तो राम जी को भी हाईजैक कर लिया है, अब राम जी भी इनके हिसाब से चलेंगे और इनके हिसाब से जब राम जी चलेंगे तो देश की जनता का क्या हालत होगा वो समझिए। अब ये कहेंगे कि आपको आना है इवेंट में तो आना है, अगर नहीं आना है तो फिर जो है ये मीडिया पे चर्चा चलेगी, ये देश में चर्चा चलवाएंगे कि देखिए भाई आम आदमी पार्टी तो आ नहीं रही है, कांग्रेस आ नहीं रही है, विपक्ष की कोई पार्टी आ नहीं रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ काजोल जी, हाँ जी, क्या हमें कहीं भी जाने के लिए, किसी का भी दर्शन करने के लिए भाजपा की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? कल ही जो है हमारे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय जी पूरी अपनी टीम के साथ, अविनाश पांडे जी भी वहां के प्रभारी वो भी थे, वो जाके दर्शन करके आए रामलला। ये क्या भाजपा, मतलब ये क्या बताना चाहती है देश को? देश को ये बताना चाहती है मैं मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, हम राम को ला रहे हैं। अरे राम जी कहाँ चले गए थे? श्रीलंका चले गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे या अमेरिका में राम जी थे? कहाँ राम जी थे भाई? अरे राम जी को तो मैं वो राम जी को जानता हूँ, वो भगवान को जानता हूँ, मेरे आराध्य देव को, जो कण कण में है, थल नभ में भी है, जल में भी है, हर इंसान के दिल में भी है, मस्तिष्क में भी है, दिमाग में भी है, वो राम को हम सब जो है 140 करोड़ के इस देश के वासी जानते हैं। ये नए राम को जो है कहां से ला रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। अब ये राम को ला रहे हैं, अब इससे बड़ा भद्दा मजाक काजोल जी और क्या हो सकता है कि अब ये भगवान राम को ये लाएंगे? अरे भगवान राम के नाम पे तो आप लोग जिंदा है, राम राम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अरे जितना उनके नाम पे लूटना है लूट रहे हो, जितना देश की जनता को भड़काना है काजल जी आप भड़का रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया। किस नेता ने बहिष्कार किया? ये बहिष्कार होता है? आप इवेंट कर रहे हो। आप याद करिए काजल जी, शायद आपने पढ़ा होगा कि जब राम जी वनवास खत्म करके आए थे और सीता जब माता श्रीलंका में फतह करके आए थे, जीत गए थे, तो उसके बाद पूरे भारत, ये तो पूरा मुझे लगता है भारत तो बाद में पता नाम तो पड़ा नहीं हुआ मुझे, लेकिन पूरा जनता जो है उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। अब कौन खड़ा होगा पता है? वीआईपी, आपको जो बुलाया गया है वीआईपी कल्चर के लोग, वो जो है ताली बजाएंगे। इस देश की विडंबना देखिए, भाजपा की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि चारों पीठाधीश आचार्यों ने जो है बहिष्कार किया, और क्यों किया आप उनसे पूछिए, कितना घोर अपमान है जो हमको पूजा करवाता है, जो हमको जो है हम समझते हैं कि उनसे बड़ा पीठाधीशों से बड़ा मुझे लगता है मंत्र कोई नहीं हो सकता है, पूजा पाठ वही कराते हैं, और उनका अपमान करना, अगर उनका अपमान आप कर सकते हो, आपके नेता नारायण राणे जी बोलते शंकराचार्यों ने क्या किया है इस देश के लिए? अरे वाह शंकराचार्य, मतलब अब ये हद हो गई है कि आपका एक नेता इस तरह से जो है बयान देता है और उसके बाद भाजपा ताली बजाती है, क्या शंकराचार्य जी जाते हैं वहां पे ताली बजाने के लिए? तो ये जो नाटक है ये नौटंकी है, इस नौटंकी का विपक्ष का कोई साथी जो है वो अपना जो है उसमें जाना नहीं चाहता है, उसमें शामिल नहीं होना चाहता, इनकी नौटंकी है भाजपा। बीजेपी का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने साफ किया, क्या जी क्या जी, कि ये पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, इसलिए हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने, ऐसा कांग्रेस कह रही है क्या? 22 तारीख को, लेकिन हम बाद में जरूर जाएंगे। हम तो
काजोल जी, हम कल ही मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी और वहां के प्रभारी अविनाश पांडे जी कल दर्शन करके आ गए। ठीक है ठीक है सर, ऐसे सवाल बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों उन्होंने बहिष्कार किया है। कांग्रेस जो कह रही है कि ये झूठ, ये एक तरह से काजोल जी ये पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी जो है भाजपा द्वारा देश के जनता को बरगलाया जा रहा है। और इसीलिए आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को चुना और इस विषय पे मैं पांडी की तरफ से ये कह रहा हूं कि हमें राम जी से कोई बैर नहीं है, भाजपा को बैर हो सकती है लेकिन यही मैं कहूंगा आपको कि भाई भाजपा राम जी से बैर नहीं है और भाजपा का खैर नहीं है, क्योंकि सब देश देख रहा है आने वाले समय में ये पता चल जाएगा भाजपा को कि इसका कीमत कितना चुकाना पड़ता है। राम जी हमारे आराध्य देव हैं और राम जी के नाम पे राजनीति करोगे तो उसका जो जिस तरह से कर्नाटक में हनुमान जी के नाम पे राजनीति किया, हनुमान जी ने गदा चलाया और उनकी सरकार गई और राम जी के नाम पे जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और राम जी के जब धनुष से तर्कश से जब तीर चलेंगे तो मुझे लगता है कि कुंभकर्ण को रावण की जो नाभि वाला जो कहते हैं ना कि जहां उनकी जान थी और वो जान जब तीर लगेगा तो पता चलेगा भाजपा को, और भाजपा को तीर सटीक लगने वाला है 2024 में और उसके बाद आपको पता चलेगा कि राम जी के नाम पे जिस तरह से आपने संतों का अपमान किया, देश का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, वो देश देखेगा और उसके बाद आपको पता चलेगा। कमेंट ले ले फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रदीप सिंह साहब जी, बहुत सारे सवाल। पहले तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और हम सब वाकई बहुत खुश हैं इस तैयारी को देखकर, उत्साह देखते ही बनता है हमारे आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 साल इंतजार किया है हमने। लेकिन सवाल कुछ है ऐसे जो बनते भी हैं। अभी कांग्रेस ने जिक्र किया, कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि आप राम को आने वाले होते कौन है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। हालांकि जितना मैंने पढ़ा और उनके बयानों को सुना, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये हमें स्वीकार नहीं है, रामलला विराजमान हो रहे हैं उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्लियर है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की बयानबाजी आखिर कौन कर रहा है कि आप राम जी को तो छोटा सा दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखा दीजिए, ये भी बातें हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से खुश हैं कि चलो कोई तो ऐसा था, ये तो बीजेपी का हो सकता है कि सौभाग्य है कि बीजेपी के कार्यकाल में इतना बड़ा फैसला आ गया तो श्रेय बीजेपी लेगी, और जो जिसके कार्यकाल में फैसला होगा श्रेय वो लेना बनता भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दोनों पर आपकी बात अगर रखें तो। काजल जी नमस्कार और साथी चर्चाकारों को भी नमस्कार। अब कांग्रेस के मित्र कह रहे थे तो मुझे नहीं पता कि 2009 में कांग्रेस के मित्र का स्टैंड क्या था जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, तो कांग्रेस के मित्र अच्छी तरह से जानते होंगे कि उनका उस समय का स्टांस क्या रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि उस समय भी वो कांग्रेस में ही रहे होंगे और कुछ ना कुछ जरूर अपनी पार्टी के लिए किए और कहे और सुने होंगे, नहीं तो टीवी पे नहीं तो लेकिन अखबारों में तो जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा या जो भी रहा हो, ये अच्छी तरह से वो जानते हैं कांग्रेस पार्टी का। हमें जब चर्चा की का जब आपने चर्चा प्रारंभ की तो उस समय था कि आम आदमी पार्टी एक जो है सुंदरकांड का पाठ करा, तो मैं अपनी शुरुआत उसी से कहूंगा कि 2000 मैं बकायदा रिकॉर्ड के साथ बैठा हूँ 18 फरवरी 2020 को, जो इनके मंत्री है सौरभ भारद्वाज जी, ये ग्रेटर कैलाश के क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे यहाँ सुंदर पाठ होगा। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, अभी 24 आ गया, ठीक है, 18 फरवरी 2020 की बात। उसके बाद से जब पता किया गया तो एक बार भी ग्रेटर कैलाश या उनके क्षेत्र में कोई भी सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ। अभी ये चुनावी वर्ष आ गया है तो फिर से इन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं वो लगाना चाहूंगा, और चूंकि आपने कैमरे का अवसर दिया था तो एक ये है इनकी नेता नई नई है प्रियंका कक्कड़ जी, इनका लिखना है हेलो यूपी वालों, मंदिर वहीं बनवा लो, इलाज भी उसी में करवा लो। तो ये जो चुनावी हिंदू हो जाते हैं ना, ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं को और ना देश की जनता में।
और कांग्रेस की जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाह रही है, उसका नेता बनना चाह रही है, उसका चौधरी बनना चाह रही है, और उनकी उस न बन पाने की स्थिति में जो फड़फड़ाहट है वो इसी प्रकार के बयान आते रहेंगे और आते जाते रहेंगे। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो देश की जनता जानती है। राहुल जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किस समय कहाँ आते हैं और जाते हैं, अब चूंकि देखिए आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपकी प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो सारी दुनिया को पता लग जाती है कि राहुल जी कब कहाँ आते हैं, जाते हैं, कितना बोलते हैं, किससे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सारा इस देश के मतदाताओं को पता है। कांग्रेस पार्टी की दुविधा कम होने का नाम ही नहीं है। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, तो दिल्ली शहर में इनका जो है, इनकी एमसीडी भी है, इनकी विधानसभा भी है ये, और उसके बाद ये क्या करते रहते हैं। देखिए आजकल ठंडी का समय है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा शीश महल हर दिल्ली वासी को हो जाए, ताकि सभी जो है इस ठंडी में बच जाएं। आप कल्पना ही करिए कि कितना बढ़िया इस समय आनंद ले रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी इस घनी ठंडी में। हम लोगों की तो हालत बहुत खराब है, हम लोग मध्यम वर्ग मिडिल क्लास लोग हैं, और हम जब अपनी स्थिति को देखते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं तो भागने सोच रहा हूँ कि कुछ दिन कहीं और काम मिल जाए या काम करने का कुछ अवसर आ जाए तो मैं चला जाऊं, इतनी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन देखिए केजरीवाल जी है, मस्त है एकदम से। तो ये आम आदमी पार्टी की अब तक की उपलब्धि रही है। इनके बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं, इनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है कि फेस सेविंग कहां से की जाए। फेस सेविंग करने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर के ये कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, ताकि इनका कैमरा हंगर, जो माइक हंगर है इनके अंदर का, वो थोड़ा शांत होता रहे। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आप कौन है लाने वाले को। अरे भैया हम है ही कौन, सही में हम कौन है लाने वाले को, हम तो केवल उस मंदिर की पुनर्स्थापना में अपना योगदान दिए। और जहां तक इनकी ये जो आचार्यों को लेकर के इन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा है अधूरे मंदिर में, तो अगर आप श्री राम को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो आप ये भी माने होंगे कि प्रभु श्री राम ने जब चढ़ाई शुरू की थी तो वहां पे भी एक मंदिर 3 दिन तक पूजा की थी और मंदिर की स्थापना की थी और प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो क्या वो भी अधूरा मंदिर था? अगर आप उसको अधूरा मानते हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, ये मंदिर भी संपूर्ण है। और इनके ये जितने भी तर्क हैं ये केवल जो है भ्रमित करने वाले तर्क हैं। इन्हें चाहिए, मेरी विनती है इनसे कि देखिए ये पुनीत अवसर हो रहा है हमारे जीवन काल में, ये ऐसा अवसर विरले ही लोगों को मिलता है। हालांकि 140 करोड़ 135 करोड़ का देश है हमारा, और हम सभी उसके भागी बन रहे हैं। देख पा रहे हैं, हमसे पहले कुछ लोग नहीं देख पाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां तो मंदिर को देख लेगी, लेकिन हमसे पहले जो लोग नहीं है हमारे बीच, वो शायद इसके साक्षी नहीं बन पाएंगे। हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि इसके साक्षी बनने के लिए तैयारी में है हम। देखिए जो आमंत्रण की स्थिति है, जो तीर्थ क्षेत्र जो है, वो जिसको जिसको आमंत्रित कर रहा है, अगर उसकी महिमा का बखान किया जाए तो ऐसे ऐसे लोग उसमें आमंत्रित हो रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि एक दादी अम्मा थी, वो 40 रुपया कमाती थी और उन्होंने 20 रुपया अपनी कमाई का मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया। बात रुपए की नहीं है, बात भावना की है। जिसके कल्चर में इलिटिज्म हो, जिसके कल्चर में ये सारी बातें हो, उसको सबसे आखिरी पायदान पे खड़े हुए समाज के व्यक्ति की ये बातें समझ नहीं आएंगी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं किसी किसी का भाग्य किसी किसी का कैसा होता है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। जब कार सेवकों को बंद किया गया था तो हमारे भी चाचा और ताऊ और जितने रिश्तेदारी में लोग थे वो सेंट्रल जेल में बंद थे। और अब आप ये सोचिए कि अगले दिन खबर आई कि चाचा और घर परिवार के लोग जेल में बंद हैं, तो बहुत सेब बंट रहा है, बहुत फल बंट रहा है। बच्चे थे हम लोग और लालच में गए, और लालच में जा करके देखे तो वहां पे हम लोगों को पता लगा कि जो जेल में अंदर बंद दक्षिण भारत के कार सेवक आए थे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, वो लिफाफा मंगवाते थे, तो पैसा दिया और हम लोग जाकर के लिफाफा ले आए। तो लालच में मेरा भी योगदान हुआ कार सेवकों के लिए। तो समाज के हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है, कौन किसने योगदान दिया, किस प्रकार से हम इस जगह पर पहुंचे हैं। तो प्रभु की जब तक, प्रभु का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, प्रभु श्री राम का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, और तब तक ये लोग वहां पहुंच कैसे सकते हैं। ये देखिए इनकी ये हक धर्मिता है। मैं तो अपने उस योगदान को जो मैंने पोस्ट कार्ड ले आके कार सेवकों को दिए थे उसको मैं तो धन्य समझता हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद उतने बचपन से ही मेरे पर था। भारत सिंह साहब तो कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सिंह साहब ठीक नहीं, 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 मैं समझ रहा हूँ क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए कि जिस प्रकार से हर कार्यकर्ता का, नहीं काजोल जी मैं जवाब दे दे रहा हूँ, क्या हर कार्यकर्ता का बयान कांग्रेस का बयान होता है? जो भी अनर्गल हो जाता है बाद में आप कहते हैं कि हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, तो इस तरह के जो यूट्यूब के ये इस तरह के जो एक मिनट रुकिएगा ये जो फोटो दिखाने की, भारत सिंह जी के ऑडियो खोल दीजिए।
भारत सिंह साहब, ये जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बेहतर तरीके से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ कांग्रेस से या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, देखिए कोई ना कोई किसी धर्म से आता ही है ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, बात यहाँ सिर्फ धर्म की है, आस्था की है। राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति तो पहले से होती आई है, लेकिन अब जो इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका पूरा देश साक्षी बन रहा है, देश का बच्चा, बुजुर्ग, जवान, हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है, इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे खबरें हमारे पास आती है ना, कि देख के मन ऐसा होता है कि आज भी इस दौर में भी, जब हम पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं, लोगों के मन में इतनी आस्था है, यह आस्था जागृत करने का जो एक संकल्प लिया गया, चाहे वो किसी ने भी लिया हो, चाहे वो कांग्रेस ने लिया हो, चाहे वो बीजेपी ने लिया हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने लिया हो, वाकई आज वो नजारा देखने के लिए मिल रहा है जो शायद इससे पहले देश में नहीं देखने के लिए मिला। ये सच है, ये हकीकत है। वापस लौटेंगे प्रदीप सिंह साहब, रजनीश कौशिक साहब बहुत देर से सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत पहले से ही करते आए हैं। हाँ, इक्का दुक्का बार हमने भी देखा कि अरविंद केजरीवाल साहब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अब हर मंगलवार होगा महीने में, ऐसा क्यों? करिए, मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन ये चुनावी हिंदू मत बनिए। देखिए काजल जी, हम जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम कोई अभी, हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना अभी शुरू नहीं किया, हम शुरू से ही करते रहे हैं। लेकिन मैं अब कुछ और बातों का जवाब देना चाहूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने, बीजेपी के नेता ने जो और बातें कही हैं, पहली बात तो बीजेपी इस मुद्दे को, देखिए श्री राम का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है और हम इसके समर्थन में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मंदिर बन रहा है। लेकिन बीजेपी इसको अपनी वोट के लिए इसको बुनाना चाह रही है और प्रचार ये कर रही है कि बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता ये प्रचार ग्रास रूट लेवल पे करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है, सब लोग जानते हैं। तो अगर आप और आम इनको, पार्टी के नेता जानते हैं, इनको, नहीं इनको, जानती क्या? नहीं जानती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है मंदिर, बीजेपी नहीं बनवा रही है, जनता जानती है ना, जनता सब देख रही है सर। हाँ, जनता तो जानते हैं, लेकिन ये तो भ्रम में डाल रहे हैं ना। और इनको दिक्कत ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रही है, क्योंकि ये अपने आप को ही धर्म का ठेकेदार मान रहे हैं कि भाई सभी धर्म, धर्म के सभी जितने हमारे ईश्वर है, भगवान है, वो हमारे हैं, हम ही इनके ठेकेदार हैं, ये ऐसा मानते हैं। ये इन्हें गलत फहमी है। इस देश के 140 करोड़ लोग इन सभी संतों को, ईश्वरीय महापुरुषों को मानते हैं, राम को सब मानते हैं, हनुमान जी को सब मानते हैं, कृष्ण जी को सब मानते हैं, तो इन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हैं बस। और इसके अलावा देखिए, अभी शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्यों को ध्यान आए, शंकराचार्यों से भी ये अपने आप को ऊपर मानने लगे। शंकराचार्य तो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म के चार जो पीठ हैं, उनको संचालित करने वाले प्रमुख मठाधीश हैं शंकराचार्य चारों, और ये कहते हैं, अभी चंपत राय जी का बयान आया था दो दिन पहले, उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप 22 जनवरी को ही क्यों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, राम श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने तर्कसंगत जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कुछ लोगों का तो काम ही होता है विरोध करना, वो लोग तो समझते ही नहीं है कुछ, वो तो उन्हें तो बस विरोध करना है। इन्होंने शंकराचार्य की बात को भी, जो कितनी गंभीर बात थी, उसको भी ऐसे हवा में उड़ाकर और रफा दफा करने की कोशिश की। अच्छा, ये इनकी भावना है राम के प्रति। शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा कि भाई आप श्री राम का मंदिर मत बनवाओ, कौशिक साहब उनका, उनके कुछ इश्यू थे, उनके इस मुद्दे पर इन्हें चंपत राय जी से या जो भी उससे जुड़े हुए हैं राम मंदिर न्यास के ट्रस्ट से,
उनको तर्कसंगत जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये अपने आप को मानने लगे कि मोदी जी, एक सेकंड सर, मोदी जी जो ना शंकराचार्य से भी बड़े हो गए हैं। सुनिए, क्या हम खुशी खुशी इनके दिमाग में ये आ गया? सुन लीजिए ना एक मिनट, देश खुश है, सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है, आप देख पा रहे होंगे। क्या हम खुशी खुशी नहीं देश, सुन लीजिए ना सर, देश खुश है, हम सब भी खुश है, खुशी खुशी, लेकिन कोई हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु है ना, उनका कुछ मुद्दा है, वो कुछ बात रख रहे हैं, उनकी बात को तो सम्मानजनक ढंग से इनको संतोषजनक जवाब देना चाहिए। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हिंदुओं के ठेकेदार अपने आप को बीजेपी बताती है, तो आप नजरिया बदल लीजिए। आप कहते कि हम भी भगवान राम को मानते हैं, तो भगवान राम को मानते हैं तो फिर इतनी बयानबाजियां क्यों? रुक जाइए ना, इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है देश में, आप नजरिया बदल दीजिए, तभी तो देखा जाएगा ना कि विपक्ष भी नजरिया बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप आपके आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया, आपका क्वेश्चन मेरे से है कौशिक साहब, मैं ये कह रही हूँ आप सभी से कि क्या हम नजरिया नहीं बदल सकते? क्या हम एक दिन के लिए, इतना बड़ा जो दिन है उसके लिए हम खुश नहीं हो सकते? या अनर्गल बयानबाजियां करनी जरूरी है? हम मुद्दे से भटक रहे हैं ना? आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने राम मंदिर का विरोध तो किया ही नहीं। हम राम मंदिर के विरोध में क्यों नहीं, हम तो राम मंदिर के पक्ष में है, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारे मुद्दे ये है कि हमारे ही धर्माचार्य, हमारे ही चारों प्रमुख मठों के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कोई विषय उठाया, वो भी तो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख हैं, तो यही कह रहे हैं, उनकी बात का जवाब देना, क्या बीजेपी या जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज नहीं बनता तर्कसंगत जवाब दे? यदि उन पर तर्कसंगत जवाब नहीं बनता तो क्या अनर्गल कुछ भी उनका अपमान करेंगे क्या ये लोग? वो भी तो हमारे धर्म के ही हैं, वो कोई मुस्लिम धर्म के तो नहीं है, ठीक है, शंकराचार्य किसके हैं, हमारे हैं, ठीक है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है सर, भारत सिंह जी, मुद्दा ये नहीं है कि भाजपा इस इवेंट को बनाने की कोशिश कर रही है, भाजपा इसे इवेंट बना रही है, मुद्दा ये है कि हम राम को लेकर कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक हम इस पर राजनीति करते रहेंगे? राजनीति को साइड रखकर क्या पूरा हिंदुस्तान एक मिसाल कायम नहीं कर सकता कि हाँ एक दिन भारत में ऐसा होना जा रहा है जो एक नए भारत की दिशा तय कर रहा है? जी एकदम सही कहा काजल जी, मिसाल तय होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रभु राम का मंदिर बन जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या अधूरे मंदिर में जिसको चारों शंकराचार्यों ने कहा यह अशुभ है, ये ठीक नहीं है, ये धर्म शास्त्र के खिलाफ है, तो क्या उसकी भागीदार काजोल जी आप भी बनना चाहती हैं? क्या मैं बनना चाहता हूं? मैं हरगिज नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि जो पूजा करवाते हैं वो धर्माचार्य करवाते हैं, वो शंकराचार्य करवाते हैं, वो पंडित जी करवाते हैं। आप जब आपके घर में पूजा होता होगा काजोल जी, तो मुझे लगता है आप भी पंडित जी को बुलाती होंगी और उनके हिसाब से जो है पूजा होता होगा। अगर वो मना करते हैं कि ये ठीक नहीं है, आज का तारीख ठीक नहीं है, कल का तारीख करिए या एक महीने के बाद करिए, तो शायद आप भी उसी तरह से करेंगे जो पंडित जी कहेंगे या धर्माचार्य करेंगे या शंकराचार्य जी करेंगे। अगर चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो हम कैसे उसका भागीदार, उस पाप में हम भागीदार बने? जिस दिन मंदिर पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन चारों शंकराचार्य वहां पे जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे, रामलला का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारे आराध्य देव हैं। मगर भाजपा ये कहेगी कि 22 तारीख को ही आना है तो हम नहीं जाएंगे। ये भाजपा के कहने पे काजोल जी मुझे नहीं लगता है कि आप दर्शन करने जाएंगे, ये आपके दिल में आस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब वो मंदिर पूर्ण हुआ ही नहीं है और जब ये धर्माचार्य कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो हम कैसे इसको मान लें? क्या हम जो है मोदी जी अब वो चारों धर्माचार्यों से बड़े हो गए हैं, शंकराचार्यों से बड़े हो गए, देश के पंडितों से बड़े हो गए हैं क्या? मेरा सवाल ये है
मेरा दूसरा सवाल है कि मैंने जब आपको फोटो दिखाया था, मैंने कहा था क्या मोदी जी का इतना कद बड़ा हो गया है और राम जी का कद इतना छोटा हो गया है कि मोदी जी अब राम जी का उंगली पकड़ के लेके चलना सिखाएंगे? क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा का एक विधायक कर्नाटक में राम जी के ऊपर चढ़ के और हार पहनाता है, उस पर भाजपा के जो है किसी भी प्रवक्ताओं का, किसी भी नेताओं का, देश के प्रधानमंत्री का, किसी का जो है मुंह नहीं खुलता है? मैं ये पूछना चाहता था, मैं इसका जवाब नहीं मिला मुझे कि जेपी नड्डा जी या सुहेल देव पार्टी के राजभर अगर ये कहे कि अब तो मोदी जी भगवान, अब तो मोदी जी जो है भगवानों को भी नेता हो गए, क्या ये शोभा देता है? क्या क्या ये कह देना भाजपा, ये कह बैठे है ना भाजपा के प्रवक्ता या नेता जो बैठे है प्रदीप जी, ये कह दे कि भैया सबसे बड़े इस विश्व में, विश्व गुरु तो आप लोग कह ही रहे थे, अब जो है देवताओं के भी गुरु जो है वो नरेंद्र मोदी जी हो गए। अब वो कहेंगे काजोल जी आप उठिए अभी स्टूडियो से और तुरंत जो है वहां पहुंचिए, आप जो है अयोध्या आप तुरंत उठ के चल देंगे, ऐसा होता है क्या? ये कब होता है, ये कब होता है? जब हमारे धर्माचार्य, एक पूरा देश, पूरा देश, जब सारे धर्माचार्य, चाहे वो शंकराचार्य, चाहे वो पंडित वेद मंत्र पढ़ने वाले, सबको आपको साथ में लेना चाहिए था, सबको विश्वास में लेना चाहिए था। आपका तो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अरे सबका साथ भी नहीं ले रहे हो, सबका विश्वास भी नहीं ले रहे हो और सबका साथ भी नहीं ले रहे हो, ये कौन सा भैया ये राम मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हो? ये तो सिर्फ चुनावी उद्घाटन है, राम मंदिर तो एक बहाना है देश को भटकाना है, ये देश को भटकाने का काम, क्योंकि भाजपा भटकाना लटकाना और अटकाना ये तीन चीज बहुत बखूबी से जानती है और देश के प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हो गए फिर जवाब नहीं मिल पाते। प्रदीप सिंह जी बैक टू बैक बहुत सारे सवाल है, आपको जवाब देना होगा। सबसे पहले तो चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि यहाँ पर जो फोटोज अभी कांग्रेस की तरफ से दिखाई गई है, इन फोटोज पर जवाब दीजिए। तीसरी ये कि ना तो ये कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवताओं के भी देवता हो गए क्या? ऐसे ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? कुछ तो ऐसा है ना सर। देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं है कि मैं बीजेपी का पूरी तरह से पक्ष ले लूं क्योंकि, और कांग्रेस को पूरी तरह से डिनाई कर दूं या कांग्रेस का पक्ष ले लूं और बीजेपी को डिनाई कर, ऐसा नहीं है। जो सवाल है सर उसी का जवाब बस। काजोल जी सबसे पहले तो देखिए क्या है कि थोड़ा इधर इस वर्तमान परिदृश्य को समझते हैं, ये चुनावी वर्ष है और इनके पास जो रही सही बाजी थी, जिसको कहें जो इनके ट्रंप के कार्ड थे, वो सब इनके सामने उस तरह से दिख रहे हैं जैसे कि आप मुट्ठी में रेत भर लें और रेत नीचे गिर जाती है, तो इंडी गठबंधन की वही स्थिति है। अब राजनीतिक दल है तो निश्चित तौर पर अनर्गल आरोप लगाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ये उसी क्रम में ये आरोप लगा रहे हैं। आप अगर बता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको इस बात का अपडेट नहीं मिला होगा कि शंकराचार्यों का बयान आ चुके हैं और उनमें उन्होंने इनकी बातों का खंडन किया है ना। अभी अगर लेकिन आने के लिए तो नहीं कहा है, कर लें आने के लिए नहीं कहा है जी, यही सच है। झूठ नहीं, जो जिस खंडन ने किया आरोप को ये लेकर के चल रहे थे, जिस आरोप को लेकर के खंडन ने किया, उन्होंने प्रदीप सिंह जी आने के लिए नहीं कहा, शंकराचार्य ने खंडन नहीं किया। काजोल जी, काजोल जी मैं आपके सहयोगी को भिजवा दूंगा वो जो कटिंग आई थी जो एआई ने जिसको प्रस्तुत किया बोलिएगा, आपका आपका जब समय आएगा तो इसका उत्तर दीजिएगा, मेरा ये पक्ष में ये रख रहा हूँ, आप अपना जब आपका समय आएगा तो उसका खंडन करिएगा, जो भी करते हैं सहमति करिएगा। तो ये जो भ्रम फैलाने, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, मेरे को बस सटीक सा जवाब दे दीजिए सर कि चारों शंकराचार्य को क्या मनाने की कोशिश हो रही है? क्या 22 तारीख को हमारे चारों पीठों के मठों के शंकराचार्य वहां पर मौजूद रहेंगे? मैं बस इतना जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो कोशिश चल रही है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि चारों मठों के शंकराचार्य जो वहां पर पहुंचे, अगर रूठे हैं तो मना लीजिए, अगर ऐसा है तो। काजोल जी देखिए अभी मैं आपके एकदम सटीक में जवाब देता हूँ। बहुत पहले मीडिया में एक बात उड़ी थी कि राहुल जी का नाम जो है रुवाल विंची भी है, तो मैं उस पर कोई विरोध या उस पर नहीं करता क्योंकि सुरक्षा की बात होती है, कौन आदमी कहाँ आता जाता है उसकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो हो सकता है कि राहुल जी का एक पासपोर्ट रुवाल विंची के नाम से हो सकता है, मैं कोई दावा नहीं करता। उसी प्रकार से तीर्थ क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को आमंत्रण भेजा है, इतना बड़ा आयोजन है, हमारा देश जो है कितनी परेशानियों से सुरक्षा को लेकर के, हालांकि बीते 10 वर्षों में कोई बम नहीं फटा, कोई गंगा नहीं, आशीर्वाद ही मान लीजिए,
अलर्ट है, तो अगर आप सभी का सभी को डिस्क्लोज कर देंगे कि कौन से अतिथि आ रहे हैं कौन से अतिथि नहीं आ रहे हैं, ये तो भाई साहब कोई कंफर्म होगा ना। एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपको लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कितने भी बड़े लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, ये क्या खोल के ढिंढोरा पीटा जाता है जब हाई अलर्ट होता है? तो अब 22 तारीख को कोई नहीं आ रहा है, झूठ कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, झूठ कहने से नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा ना 22 तारीख को पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मैं आपको जवाब देता हूँ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ये कहते हैं कि शंकराचार्यों ने क्या योगदान दिया है, ठीक है, तो ये आप मनाने की बात, अभी क्या जवाब मिल रहा है? प्रवक्ता बैठे हमारे पास बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हो सकता है सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ गुप्त गुप्त तरीके से कुछ मेहमान आए। अरे चुनाव थोड़ी ना हो जाएंगे, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आपके पास तो मुद्दा है ना गिरने के लिए, जनता ने वोट थोड़ा ना देना है उस दिन, इस बात को तो समझिएगा थोड़ा सा। देखिए देखिए काजल जी, एक तरफ तो ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र, जब ये तीर्थ क्षेत्र है, जब ये इनवाइट करने जाते हैं तो ये तुरंत कह देते हैं कि कांग्रेस ने मना कर दिया नहीं आ रहे, फला पार्टी ने बीएसपी ने मना कर दिया हम अभी नहीं आ रहे, समाजवादी पार्टी ने कहा हम मंदिर 22 तारीख के बाद कभी भी जाएंगे, उनका तो तुरंत बता देते हैं, फिर शंकराचार्यों का नहीं बता सकते कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, ये वो तो हमारे बड़ा विषय है, ठीक है, बड़ा विषय है। प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, प्रदीप जी मुझे शंकराचार्य बहुत ही वरिष्ठ है सर, ठीक है, बहुत ही हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुष बताने में क्या दिक्कत है, शंकराचार्यों के बारे में नहीं बता सकती आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसा है कि शंकराचार्यों ने सीधे खुले तौर पर यह कह दिया है कि जब तक पूरा मंदिर तैयार नहीं होगा तब तक हम नहीं आएंगे, एकदम खुली किताब की तरह साफ तौर पे कहा है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बैठ के जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, झूठ निंदा बांध रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश की जनता इसको देख रही है। आपके सवाल पूरे जायज हैं, वाजिब है आपके सवाल, अब जवाब तो सुन लीजिए ना एक मिनट प्रदीप जी, जल्दी से जी, जिस तर्क पे ये मंदिर की पूर्णता की बात कर रहे हैं तो उस तर्क पे तो प्रभु श्री राम ने भी एक मंदिर की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की थी और उसके बाद वो युद्ध पे चले गए थे, वहां तो केवल एक शिवलिंग बनाया गया था, इसके हिसाब से तो वो ये उसको भी अधूरा मानेंगे, जब इनको कुछ पता नहीं होता है, जब इनके तर्क नहीं चलते तो बीच में सुनिए ना, आप ही तो आरोप लगा रहे हो ना, इतना बौखलाने से कुछ होता नहीं है, आप लोग ने गलती कर दी है और गलती ये कर दी है कि चारों शंकराचार्यों का आपने घोर अपमान किया है, इन चारों शंकराचार्यों आपको जज किसने बना दिया, गलती हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमको जज करने वाले, पूरी भाजपा सारी चीजें निकल चुकी है, पार्टी थोड़ी इस समय तो जज बनी है, जिसको चाहती है बुलाती है, जिसको चाहती है नहीं बुलाती है, देखिए राम जी के ऊपर भी अस्तित्व पे आप कह रहे हैं कि राम जी ने मंदिर नहीं बनाया था, मंदिर पे मत निकालिए, अब ये तो बौखलाहट साफ दिख रही है काजल जी, राम जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि राम जी भी मंदिर तो छोटा है, निकालिए मंदिर पे कम से कम बौखलाहट मत निकालिए, 22 तारीख को आयोजन है, मंदिर को बौखलाहट निकाल रहा हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड क्योंकि पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, एक नजर ग्राफिक्स पर, फिर प्रदीप जी आप करो करते हो, तो शुरुआत होती है प्राण प्रतिष्ठा के जवाब में आपके हनुमान पाठ से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जमेट कंट्रोल करने की कोशिश, हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश, विधानसभा चुनाव से पहले भी हनुमान मंदिर गए थे केजरीवाल, केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व, हिंदू वोटों को साधने की कोशिश हो रही है, बीजेपी के राम भक्ति का हनुमान भक्ति से जवाब,
दिल्ली में 2600 जगहों पर पाठ का आयोजन। हर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान चालीसा पाठ। हर वार्ड में सुंदरकांड का पाठ। हर महीने के पहले मंगलवार को ये तैयारी आम आदमी पार्टी की। पूरी दिल्ली में आपका हनुमान पाठ क्यों? सॉफ्ट हिंदुत्व के सारे हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश। बीजेपी के राम मंदिर कार्ड का काट निकालने की कोशिश। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा राम मंदिर का लाभ। विधानसभा चुनाव से पहले भी हनुमान मंदिर गए थे केजरीवाल। केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त भी बताते हैं। भक्त कोई भी हो सकता है, कोई हनुमान जी का हो सकता है, कोई राम जी का हो सकता है, कोई महादेव का हो सकता है, कोई विष्णु का हो सकता है, कोई माँ गौरी का हो सकता है, माँ काली का, माँ दुर्गा का, किसी का भी भक्त कोई भी हो सकता है। लेकिन बार बार धर्म को लेकर, बार बार भगवान को लेकर, देवताओं को लेकर राजनीति करना जनता समझ चुकी है। प्रदीप जी, आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया गया था चारों शंकराचार्यों को लेकर, और ये सवाल बनता भी है क्योंकि आम जनता भी जानना चाह रही है कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं शंकराचार्य, आखिर क्या वजह है। बहुत सारे लोग जब डिटेल में जा रहे हैं, देखिए आम लोग तो बहुत खुश है, देश खुश है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन राजनीति और डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो जानने की कोशिश हो रही है कि भाई राम मंदिर तो पूरा बना नहीं है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्यों हो रही है, और इसके अलावा शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे। जिन शंकराचार्य जो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं अनुष्ठानों पर उनकी नजर रहती है, और साथ ही साथ अनुष्ठान कोई बड़ा होता है तो उनकी उपस्थिति जरूरी होती है, यहाँ क्या वजह है? हो सकता है कि आगे खुलासा हो इस चीज का, लेकिन फिलहाल अभी देश जानना चाह रहा है। काजोल जी, अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरा थोड़ा गंभीरता से मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुनेंगे और बीच में टोकेंगे नहीं, प्लीज सुनिएगा आप जी। दक्षिण भारत या उत्तर भारत में मंदिरों को देखा जाए तो मंदिरों की अकूत संपत्ति होती है, लोग उसको दान करते हैं। आज राम मंदिर जिस क्षेत्र में है, कल की डेट में 100 बीघे और कोई जमीन दे दे तो वो भी तो मंदिर का ही हिस्सा होगा, तो क्या उस स्थिति में वो जमीन पड़ोस वाली अगर श्री राम मंदिर ट्रस्ट को मिल जाती है तो क्या आप उसको अधूरा मानेंगे क्योंकि वहां पे मंदिर का अस्तित्व नहीं है? एक सीधा सा मैंने तर्क दिया कि प्रभु श्री राम ने भी एक प्राण प्रतिष्ठा की थी और उसके बाद वो युद्ध के लिए गए थे, तो क्या वो मंदिर अभी तक है, क्या वो अधूरा मंदिर है? तो ये जो तर्क कांग्रेस पार्टी दे रही है या जो इंडी गठबंधन दे रहा है, ये देश की जनता के गले नहीं उतरने वाला है पहली बार, और चूंकि ये राजनीतिक दल है तो निश्चित तौर पर राजनीति करेंगे ही करेंगे। मैंने एक तर्क दिया कि हाई अलर्ट पर अयोध्या जी नगरी है और बहुत सी सुरक्षा की चीजें, इस समय सुरक्षा अधिकारियों को टॉस पे काम करना पड़ रहा है, अपने पंजों पे नहीं वो बल्कि कितनी तेजी से और त्वरित काम कर रहे हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, 22 तारीख आ जाने दीजिए, हो सकता है कि आपको दिखे चार के चारों शंकराचार्य वहीं दिख जाए। लेकिन अगर आप इन तर्कों को नहीं बाय करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं नहीं स्वीकार करने के लिए, आप पुनः भ्रम फैलाइए और फैलाते रहिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार या मंदिर तीर्थ क्षेत्र अपने एक प्रोटोकॉल से काम करता है, उसको समय आने पर सब डिस्क्लोज हो जाएगा। अगर इनको इसमें राजनीति दिख रही है, अगर इनको राजनीति दिख रही है तो राजनीति करते रहिए, असल मापक देश की जनता है। ठीक है, हम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा सारी तैयारियां, देखिए पर्सनली मैं बताऊं तो हमारे घर पे तो बहुत तैयारियां हो रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, 22 तारीख को लेकर। हम आम लोगों को तो निमंत्रण नहीं है, लेकिन एक निमंत्रण हमारे घर पे आया है, अक्षत भी आए हैं, तो उसे ही हम एक ऐसा निमंत्रण मान लेंगे कि हम साक्षात भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। पूरी तैयारी है, बहुत खुश है, हमारे घर के बच्चे भी खुश है, बड़े भी खुश है, बुजुर्ग भी खुश है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि, और मेरे ख्याल से आप सब भी खुश है, चेहरे ऐसे मत लटकाइए सर, भारत जी, कौशिक साहब, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, हम तो बहुत खुश हैं, राम मंदिर बन रहा है, हम बहुत खुश हैं, थोड़ा वहां जाएंगे,
बस यही बात है, मेरा मेरा बस ये एक एक गलती है। बाद हम वहां जाएंगे कभी का अपमान कर रही है उससे हम दुखी हैं। ठीक है ना, जनता जवाब दे रही जो शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, अगर कांग्रेस सही अपनी जगह, कांग्रेस सही सवाल उठा रही है तो जनता जवाब दे देगी। और हम वहाँ बहुत दिनों तक रह के भी आएंगे, घूम के आएंगे, देख के आएंगे, रामलला की आरती करके आएंगे, सब करेंगे। अगर कोई धर्माचार्य या कोई मेरे पास अगर इस पैनल में बैठा रहता तो शायद मैं उनसे पूछ लेती कि क्या ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है जिसका पूरी तरह से निर्माण ना हो। लेकिन लेकिन कुछ प्रवक्ता, जैसे चर्चा क्योंकि हो रही है इसी मुद्दे पर, यही इस वक्त तो मुद्दा है सबसे बड़ा हमारे लिए, तो हमने सुना है कुछ लोगों से, मैंने भी पता करने की कोशिश की थी, पर्सन ने बता रही हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, तो ये बताया गया है कि जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां पर रामलला का जन्म स्थान जो बताते हैं, वो पूरी तैयारी हो चुकी है वहां पर, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है क्योंकि वहां पर वो पूरी तरह से तैयार है। आगे तो मंदिर बहुत बड़ा है, वो तो बनने में बहुत समय लगेगा सर, तो क्या हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था भाजपा के नेता से काजोल जी, हाँ जी, कि अगर मंदिर पूर्ण नहीं हुआ तो क्या जरूरत था 22 तारीख को करना? आपको तो पूरी उम्मीद है ना, आप तो पूरा विश्वास से कह रहे 400 सीट हम लाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, जब आप इतना विश्वास है आपको, तो आप जो है इसको 2 साल के बाद जब मंदिर पूर्ण हो जाता तो काजोल जी तब आप उसको जो है उद्घाटन करते, सबको बुलाते, और काजोल जी उस समय अगर उस समय हम ना आते तो आप आरोप लगाते तो मुझे लगता था सही था। आपको डर है, आपको डर है क्योंकि आपने 10 सालों में कोई भी जनता का काम नहीं किया, जनता के हितों का काम नहीं किया, तो इसीलिए अब आपके पास बताने के लिए और चुनाव में जाने के लिए कुछ नहीं है, तो देश की जनता को सिर्फ भटकाने के लिए और उसको लटकाने के लिए ये राम मंदिर का मुद्दा लाए। मैं काजोल जी बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, अगर मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है तो भले 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, आपको तो पूर्ण विश्वास है ना, आप तो ठोक के कह रहे हैं हम 400 सीट लाएंगे, लेकिन आप खुद ही डर रहे हैं, आप डर रहे हैं खुद, जवाब ले लेते हैं, ठीक है जवाब ले लेते हैं, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा कि वो पूर्ण मंदिर, वो मंदिर का करवाएगी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जवाब ले लीजिए प्रदीप जी, प्रदीप जी 2024 6 महीने के बाद में वो इंडिया इंडिया गठबंधन में पूरा पूर्ण करवाएगा वो मंदिर का, भारत सिंह जी जवाब दीजिए, प्रदीप जी जवाब दीजिए, जवाब क्यों प्राण प्रतिष्ठा क्यों 2 साल बाद भी हो सकता था, पूर्ण मंदिर का निर्माण हो जाता तो भी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में स्वीकार कर लिया, आज इन्होंने स्वीकार कर लिया कि 400 सीटें आएंगी, तो भारत एक उत्सव प्रिय देश है, ये उत्सव हो रहा है, आपने चिल्लाते का जो भी और शायद ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर पूरा दिन में चर्चा करने का खत्म नहीं होने वाला। देखिए मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भगवान राम की लीला है और साथ ही साथ नैया पार कराने की भी तैयारी कहीं ना कहीं पार्टियों ने कर ली है, कोई हनुमान का साथ लेकर चल रहा है, कोई भगवान राम का साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, अब ये तो जनता को तय करना है कि किसे पार लगवाना है लोकसभा चुनाव 2024। सबकी अपनी अपनी तैयारी है, फिलहाल तो देश भक्ति में है, कोई हनुमान की भक्ति में, कोई भगवान राम की भक्ति में। अब सवाल ये है कि इतने जो बयानबाजियां हो रही हैं, इतने जो बयान सामने आ रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, अधूरे मंदिर की, शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो वक्त पर पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।